जिस देश की बुनियाद ही इस आधार नफरत के आधार पर रखी गई हो, वो देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता। आज भी अफगानिस्तान में बच्चों के लिए एक के गो हॉस्पिटल है, इंदिरा गांधी सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल काबुल में है। हीरा रेल, अफ्रीका वाले को आप कितना भी कह लीजिए कि पीछे हैं, अशांति है, गरीबी है, लेकिन एक चीज है, आपस में उतनी लड़ाइयां नहीं है जितना हम लोग एशिया वालों ने करके रखा है। एक ट्रेन तो ये लोग पूरा महाद्वीप को क्रॉस करा के लेके चले गए, हम लोग की ट्रेन पाकिस्तान जाएगी तो समझ में आता है कि वापस आ पाएगी कि नहीं। हम लोग पाकिस्तान को इसलिए नहीं गरियाते हैं कि 65 की लड़ाई लड़े, 71 की लड़ाई लड़े, 84 की लड़ाई, गरियाते इसलिए आके कहीं बम फोड़ देता है ना। ट्रेन में मरने वाला पता नहीं चला किसी का इकलौता लड़का है। देखिए, ऐसा नहीं कि किसी का दो लड़के हैं तो एक मर गया तो उसको दिक्कत नहीं है, बट एक होता है ना कि किसी का एक गो है, बात अब समझ रहे हैं ना। अच्छा नहीं है, अब किसी के दसों को लड़का रहेगा तो उस नहीं चाहेगा एक को मरे। लेकिन ट्रेन में कौन कैसा हो सकता था, जो लड़का ताज होटल में ब्लास्ट से मरा कल का वो अब्दुल कलाम हो सकता था। ये छोटा भारत के लोगों को ज्यादा, कई लोग हमसे कई लोग कहते हैं सर ट्रेन चलनी चाहिए, हम कहते देखो जहाज से चल जाएंगे सिक्योरिटी ज्यादा होती है, तनिषा के चक्कर में सोचा बम फोड़ देगा, वहां पे नहीं चलना चाहिए। यहाँ पर पता नहीं बोलते ना किसका पहुंच सीधा नहीं होता है, बाकी आप समझदार हैं, नहीं समझ में गया कुत्ता का पहुंच समझ गया कि नहीं, कुत्ता और पाकिस्तान का पहुंच कभी सीधा नहीं। जिस देश की बुनियाद ही इस आधार नफरत के आधार पर रखी गई हो, वो देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता। वहां पर ससुराल लोग बताओ कहीं, अभी तो तबाही आया हुआ है ना, जाए बाहर आया, ऊपर वाला अंधा थोड़े है, समझा गई ना। ये रेल मार्ग का नाम केब काहिरा रेल, बहुत लंबा रेल मार्ग केब काहिरा रेल। ऐसा हालांकि एशिया में रहना चाहिए, हम तो ये कहते हैं कि मतलब बांग्लादेश अगर आप एशिया देखते हैं यहाँ से तो ट्रेन रहना चाहिए, बट थोड़ा सा क्या होना चाहिए ना उसमें, आ गया एशिया कहाँ गया, ये रहा ये एशिया, इंडिया एशिया में भी ना बढ़िया बेहतरीन ढंग से ट्रेन होना चाहिए, और वो एशिया वाले को पहल करना चाहिए। ये है सिंगापुर, यहाँ से इजीली ये ट्रेन होते हुए बांग्लादेश, भारत होते हुए पाकिस्तान, अफगानिस्तान होते हुए मास्को जा सकती है, रूस की राजधानी मास्को इजी जा सकती है। हम तो कहते हैं कि ये होना चाहिए, बट इसमें आदमी नहीं मालगाड़ी वाला होना चाहिए, भड़काओ सोचात नहीं, सवारी वाला होना चाहिए। बहुत सारी ऐसी चीज़ है जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान में सस्ती मिलती है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग उनको प्रोवाइड कराते हैं, उन्हें भी फायदा हमें भी फायदा। चाइना और ताइवान में इतना विवाद होने के बावजूद भी ताइवान का 60% व्यापार कहाँ से होता है, चाइना से होता है, तो ये होना चाहिए। आप बताओ मित्रों, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे पटरी भड़का देगा सब पाकिस्तान वाला, इसीलिए भारत अफगानिस्तान को बहुत सारी मदद करता है ताकि जब ये प्लान आगे आएगा तो एटलीस्ट अफगानिस्तान के लोग इसका समर्थन करेंगे कि नहीं ये रेल मार्ग चाहिए। आज भी वहाँ जो गेहूँ खाया जा रहा है ना इंडिया से जा रहा है, आज भी वहाँ जो दवाइयाँ लग रही हैं इंडिया से, आज भी अफगानिस्तान में बच्चों के लिए एक गो हॉस्पिटल है, इंदिरा गांधी सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल काबुल में है, आज भी वहाँ पर है, भारत का ही है यहाँ पर, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो बेहतरीन, आज भी वहाँ जाएंगे हॉस्पिटल में तो तिरंगा लगा हुआ है। तो अगर हम कुछ पैसे खर्च करके भी अपने ऐसे देश के ऊपर तिरंगा लगा देते हैं जिसने अमेरिका और रूस जैसे देश को धूल चटाया हो, तो बड़ी बात है कि नहीं। हम आज भी हमारा तिरंगा लगा, पैसे क्षणिक चीज होते हैं, बट ये दुश्मन को भी आभास होना चाहिए ना कि हमारे अंदर आज भी इंसानियत जिंदा है। यहाँ पर कल भले कलयुग चल रहा है, सोचा इसमें तो है तनी मनी तो जिंदा है कि नहीं, तो ये रेल मार्ग होना चाहिए। लेकिन एशिया में ऐसा कोई रेल मार्ग नहीं है, जाए ना तो पाकिस्तान में पटरी उखाड़ देगा आप।